देशकेंद्र के रेडियो फिजी 2 का ये प्रसारण आपके लिए कार्यक्रम में आपका स्वागत है हम कर रहे हैं। याद आते अभी से लेकर रात 12 तक यह सिलसिला हम और आपका चलता रहेगा। दृष्टिकोण में आपका हम स्वागत कर रहे हैं। दृष्टिकोण के तुरंत बाद आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। इधर कहते हैं कि गहरी थी रात लेकिन हम सोए नहीं, गहरी थी रात लेकिन हम सोए नहीं, दर्द बहुत था दिल में पर हम रोए नहीं, कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे, जाग रहे हो किसके लिए या किसी के लिए सोए नहीं। याद रखें गीत संगीत का तकाजा आपके लिए, रात 12 तक आपको हम सोने नहीं देंगे। महकती रातें हर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रात 7 से लेकर 12 के बीच रेडियो फ्री 2 देश की धड़कन पर रविंद्र सिंह के साथ। नमस्कार फीजी, समाचार दर्शन के साथ रितिका प्रताप। अपोजिशन एमपी तुपोर डोनिंदालो ने प्रिविलेजेस कमेटी के एक सदस्य पर सवाल उठाते हुए उसके कार्य को रद्द करने की मांग की है। प्रिविलेजेस कमेटी सदरपा के सदस्य रतुनिंगा मलालंबलाबू के खिलाफ की गई शिकायत पर गौर कर रही है। अपोजिशन सदस्य ने अटोर्नी जनरल अय्याज सैयद खय्यूम के कमेटी का हिस्सा होने पर आपत्ति दर्शाई है क्योंकि उन्होंने ही शिकायत दर्ज की थी। जवाब में सैयद खय्यूम ने कहा कि कमेटी उन्हें मिली सबूतों पर काम करेगी। डॉ चिकोलुवेनी ने संसद को बताया कि वह बाद के पार्लियामेंट सिटिंग में अपना फैसला सुनाएंगे। प्रिविलेजेस कमेटी की सभा आज फिर हुई है जो रतुनिंगामा ललंबलावो के खिलाफ सबूतों पर गौर कर रहे हैं क्योंकि उस पर ये आरोप है कि उसने स्पीकर ऑफ द हाउस को गाली दी है। अपोजिशन एमपी सेमिसा कारावाकी ने आज संसद में स्पीकर डॉ चिकोलुवेनी के समक्ष एक प्रिविलेज मामले को अटोर्नी जनरल अय्याज सैयद खय्यूम के खिलाफ उठाया है। कारावाकी ने संसद में स्पीकर को बताया कि उनके पास एजी के खिलाफ सबूत है जिसे वे देना चाहते हैं ताकि उनके खिलाफ सही कदम उठाया जा सके। उनका कहना है कि सैयद खय्यूम ने समाचार माध्यमों में शैली पार्क के रीजोनिंग पर टिप्पणी की थी जिस दौरान स्टैंडिंग कमेटी और नेचुरल रिसोर्सेज इसको लेकर पेटिशन पर काम कर रही थी। कारावाकी का एक और पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये था कि उनके पास अटोर्नी जनरल के खिलाफ ये सबूत है कि उसने संसद में गाली दी थी। कारावाकी का कहना है कि स्पीकर उनके सबूत पर ये तय कर सकती है कि सैयद खय्यूम को क्या प्रिविलेजेस कमेटी के समक्ष पेश किया जाए या नहीं। डॉ लुवेनी ने सबूतों की मांग की है और कहा है कि वह इस मामले में बाद में कोई निर्णय बनाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ने लौटोगा में शैली पार्क के रीजोन करने की कोशिश को रोकने वाले पेटिशन पर अपनी रिपोर्ट संसद के हवाले कर दी है। कमेटी चेयर गवर्नमेंट एमपी चौली दवाकी ने बताया कि 64 पेज रिपोर्ट में उन्होंने दो सुझाव दिए हैं। कमेटी मेंबर्स में अपोजिशन एमपी स्किनी विल्यामे किलिराकी जो कि डेप्यूटी चेयर है और जोसेफा दुलाकी वेराता तथा गवर्नमेंट एमपी अलीवेरेती नम्बोलीवो और सेमुएला वुनिवालो शामिल हैं। रिपोर्ट पर बहस बाद में होगी। और खेलकूद में वर्ल्ड सेवन सीरीज में वोडाफोन फिजी सेवन्स टीम की जीत को बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। फिजी रग्बी यूनियन बोर्ड के सदस्य जॉन ओकोना का कहना है कि सुबह के अल्बर्ट पार्क में थर्सडे को लोग भारी मात्रा में आकर सेलिब्रेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। वोडाफोन फिजी के मार्केटिंग मैनेजर संजीवा पेरेरा का कहना है कि खिलाड़ी $78,000 को आपस में बांटेंगे। फिजी सेवन्स टीम कल दिन में 2:30 बजे नांदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। ये थे आज के मुख्य समाचार। शुभरात्रि। मेरा चांद मुझे आया है नजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर। छाया है नशा मेरे आंखों पर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर। रह जाए ना प्यासा मेरा प्यार, मेरे बाहों में भर दे मेरा यार। ऐ रात जरा थम थम के गुजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर। हे दोस्तों, मैं हूँ जितेन शांडिल। आप रात के बाद हमारे साथ अब रफ्तार प्रोग्राम में 3 से लेकर रात 7 के बीच शामिल हो सकते हैं। मिर्ची FM, इट्स हॉट।